सो हेलो फ्रेंड, मेरा नाम शिव शंकर और आप देख रहे हैं मोबाइल मास्टर शिव। आज की इस वीडियो में हम एक डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। ये हमारे पास हाथ में जो फ़ोन है वो है रेडमी नोट 7S। इसमें इस तरह का इशू आ गया है कि ये फ़ोन जो है वो सॉफ्टवेयर हुआ था या फिर फैक्ट्री रिसेट किया गया था, जिसके दौरान इसमें जो SMS सर्विस है वो डिस्क्लोज हो गया है। यानी कि जैसे ही हम फोन पे, गूगल पे या पेटीएम बना रहे हैं तो वहाँ पे सिंगल सिम डुअल सिम दिख रहा है, और जैसे हम SMS के लिए वेरीफाई कर रहे हैं तो हमें जो है नो सिम का प्रॉब्लम आ गया है। तो किस तरह का प्रॉब्लम आपको दिखाते हैं और इस वीडियो में आपको इसको सॉल्व करके दिखाने वाले हैं। इस तरह का प्रॉब्लम जो है आपको किसी भी Xiaomi के डिवाइस में या फिर रियलमी के डिवाइस में आ सकता है, उसे आप इस वीडियो को देख कर सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको दिखा देते फ्रेंड कि जैसे हमने पेटीएम पहले से ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, फोन पे भी डाउनलोड कर लिया, तो फोन पे में हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हम फोन पे क्लिक करते हैं उसके बाद देखिए हमारा दो बैंक है, पेटीएम और स्टेट। हम किसी भी बैंक को वेरीफाई करते हैं तो यहाँ पे देखिए सिंगल सिम डुअल सिम लिख के आ रहा है, और जैसे ही हम कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पे फेल टू इनिशिएटेड SMS प्लीज ट्राई अगेन, इस तरह का एरर आ रहा है। इसके बाद फोन पे ही नहीं, जैसे हम गूगल पे भी ट्राई करते हैं तो सेम उसी तरह का एरर आता है। फ्रेंड मैंने पहले ही ट्राई कर लिया है तो इसके लिए हम आपको रिपीट ट्राई करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और पेटीएम के क्या हाल है, हम पेटीएम के भी हाल देख लेते हैं। तो चलिए पेटीएम भी ट्राई करके देख लेते हैं कि पेटीएम में किस तरह का इशू आता है। तो ओके, तो यहाँ पे ये नंबर है तो ये नंबर हम फिलअप कर लेते हैं, कॉल वगैरह इस पर नहीं करिएगा। और हम सारा परमिशन को अलाउ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं पेटीएम में डिक्लेयर कर रहा है कि नो सिम कार्ड फाउंड। हालांकि यहाँ पे देख सकते हैं नेटवर्क भी है और इसमें जो है एयरटेल का सिम डाला हुआ है जो कि 4G कनेक्टिविटी पे है, लेकिन यहाँ पे लिख रहा है नो सिम कार्ड फाउंड। इसको कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको सेटिंग पे चले जाना है। तो सेटिंग हम ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे आपको सेटिंग ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है, देखना है यहाँ पे किधर गया, एप्लीकेशन पे जाना है, ऐप पे सिस्टम ऐप सेटिंग पे जाना है। यहाँ पे सिक्योरिटी रहेगा, सिक्योरिटी ऐप को ओपन करना है। और उसके बाद यहाँ पे विड्रॉल ऑफ कंसेंट्स का एक ऑप्शन रहता है, ठीक है। तो ये जो है ऑलरेडी डिसेबल है तो आपको क्या करना है कि बैक आ जाना है, यहाँ सेटिंग ओके है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक सर्च सेटिंग ढूंढना है, सिस्टम ऐप अपडेट। यहाँ पे देखिए सिस्टम ऐप अपडेटर, इसको ओपन करना है। उसके बाद जितना भी यहाँ पे देखिए जो एप्लीकेशन जो है वो सॉफ्टवेयर करने के बाद जो है डी अपडेट हो गए हैं उसे पहले अपडेट करना है। यहाँ पे हमें ढूंढना है सिक्योरिटी, Xiaomi क्लाउड वॉलपेपर सिक्योरिटी है, देखिए ये हमारा है जो सिक्योरिटी है, इसको हमने अपडेट करना है पहले। तो हमारा कनेक्टिंग हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा डाउनलोड 100% हो गया है। अब हमारा जो है अपडेट फाइल इंस्टॉल हो रहा है, तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी आपका समस्या सेम रह जाता है तो आप हमें कमेंट करिएगा कि आपको में किस तरह का प्रॉब्लम आता है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसका सलूशन ज़रूर बताएंगे। सो देखिए हमारा जो एप्लीकेशन है वो अपडेट हो चुका है और इंस्टॉल भी हो चुका है। अगर सारे एप्लीकेशन को यहाँ से अपडेट करना है तो हाँ अपडेट ऑल पे क्लिक कर जाएगा, लेकिन इतना MB और डाटा हमारे पास नहीं है और इतना टाइम भी नहीं है। सिक्योरिटी पे लॉन्ग प्रेस करना है, उसके बाद ऐप इन्फो पे जाना है और उसके बाद क्लियर डाटा कर देना है। इसको ट्राई करके देखते हैं फ्रेंड, अब हमने अपडेट कर दिया, उसके बाद हम ट्राई करके देखते हैं कि हमारा जो है वो आगे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रोसीड जो है वो आगे बढ़ गया प्रोसेस। अब हमारा जो है जैसे हमने उस ऐप को अपडेट किया और उस सेटिंग को डिसेबल किया तो हमारा जो प्रोसेस है आगे बढ़ गया, पेटीएम हमको जो है वो लॉगिन हो गया। अब जो सेम प्रॉब्लम आ रहा था फ़ोनपे में उसे भी हम देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा पेटीएम जो है लॉगिन हो चुका है, जो पहले परमिशन नहीं दे रहा। फ़ोनपे भी हम ट्राई करके देख लेते हैं कि फ़ोनपे भी हमारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंटिन्यू, तो देखिए इसमें भी कंटिन्यू का ऑप्शन आ गया है फ्रेंड। अब पहले जो है सिंगल सिम डुअल सिम शो कर रहा था और जो है मैसेज सेंड नहीं हो पा रहा था, जो कि अब हमारा जो है वेरीफाई हो चुका है। देखिए अब हमारा पिन खोजने लगा है और यहाँ स्टेट बैंक भी वेरीफाई हो चुका है। तो इस तरह का अगर इश्यू है तो आप इस वीडियो को देख के अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।